आज मुझे जैप्रोनिक्स ने एक स्पीकर भेजा है और ये एक बार साइज स्पीकर है और ये बार साइज स्पीकर है, साउंड बार है और ये जैप्रोनिक्स का जैव ज्यूक बार 3500 है और इसको टीवी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी चला सकते हैं, यानी अपने मोबाइल फोन से भी कनेक्ट करके चला सकते हैं और भी बहुत सारी खूबियां हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मिल जाती हैं। ये है स्पीकर और रॉड की तरह है, काफी बड़ा। अंदर से देखते हैं तो एक ये मिल जाता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, और एक ये मिल जाता है और एक ये इसका चार्जिंग है या पावर सप्लाई कह लीजिए, चार्जिंग कह लीजिए, पावर सप्लाई है। ब्लूटूथ भी है वर्जन 5.0, यूएसबी कनेक्टर भी है, ऑक्स केबल से भी कनेक्ट हो जाता है, वॉल माउंट भी हो जाएगा और हैं कॉक्सियल इनपुट है, एचडीएमआई है, ब्लूटूथ है, यूएसबी है, ऑक्स केबल है, वॉल माउंट मैंने बता ही दिया। यहां पर ये जैब्रोनिक्स का लोगो आपको मिल जाता है। वॉल्यूम अप डाउन का भी ऑप्शन दे रखा है, पावर का भी ऑप्शन है, साथ ही सेटिंग का भी ऑप्शन है और यहां पर आप यूएसबी लगा सकते हैं। देखिए जैब्रोनिक्स इस पे भी लिखा हुआ है और यहां पर इसके रिमोट में ये सारी सेटिंग आपको मिल जाती है। पावर का भी बटन है, ये पेयर का बटन है, ब्लूटूथ से अगर आपको पेयर करना है तो इससे आप कर सकते हैं। गया है ये, मैंने सेल इसमें लगा दिया है। इसका पावर कनेक्टर है, इस तरह की केबल आपको मिलती है इस तरह की और ये आपको मिल जाता है, डिटेल भी लिखी हुई है यहां पर लग रही है, ये देखिए। मोबाइल में ही पेयर कर लेता हूं इसको, अब ये ऑन हो चुका है, अभी ऑन नहीं हुआ है शायद, इसको अब मैं ऑन करता हूं। ऑन करते ही आपने साउंड सुना और ये नीली बत्ती यहां पर जल गई है। और इस फोन में हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाके हमें ब्लूटूथ डिवाइस देखनी है। मेरे ख्याल से यहां पर ऑटो डिटेक्ट हो जाना चाहिए, पेयर न्यू डिवाइस, तो यहां पर ये देखिए जैब ज्यूक बार 350 ऑटोमेटिक अपने आप ही आ गया है। अगर ये पहले से कहीं कनेक्ट नहीं होगा तो आपको दिखाई देगा। तो यहां पर इसको पेयर किया मैंने, इस तरह से पेयर करना है और यहां पर अलाउ एक्सेस और पेयर पर क्लिक कर दिया, ये अब कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते ही आपने देखा होगा कि ये पहले ब्लिंक कर रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था, लेकिन ये अब कनेक्ट हो गया तो ये स्थिर हो गया, यानी ब्लिंक करना बंद कर दिया। तो यहां पर ये मैं अपनी वीडियो ही चला रहा हूं ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अभी आप फोन की आवाज नहीं, बार की आवाज सुन रहे हैं, इसी की जैप्रोनिक्स की। पीछे कर लिया। क्या कर लिया? बच्चे पीछे कर ली। और ये मुझे डिलीवर हुआ सिर्फ 2 दिन में, गोरिल्ला ट्राइपॉड, बहुत ही ज्यादा स्पेशल फीचर्स है। और एक एक्स्ट्रा चीज इसके साउंड बहुत अच्छा है, मतलब 2-3 कमरों के लिए तो काफी ज्यादा हैवी साउंड है ये। इसको आप कस के बांध दीजिए तो बिल्कुल नहीं गिरेगा और ना ही हिलेगा। ये तो मैंने अभी 2-3 कमरों के लिए तो काफी हैवी साउंड है लग रहा है। ये तार चूहे ने काट रखा था और एक ये तार चूहे ने काट रखा था।
तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ओपन किया है, तो यहाँ पर ये लाइट जल रही है अब, क्योंकि ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो लाइट जली हुई है, और यही इसका ऑप्शन है पता करने का कि इसके अंदर पावर सप्लाई आ रही है। पावर सप्लाई मैंने ऐसे कर रखी है पीछे की तरफ से, ये देखिए यहां पर पावर सप्लाई में मैंने इसको डायरेक्टली इसको बोर्ड में लगा दिया है। बोर्ड में भी लाइट है हरे रंग की, इससे पता चल जाता है कि इसमें पावर सप्लाई हो रही है। साथ ही ऑक्स केबल दे रखी है, HDMI पोर्ट भी है। तो थैंक यू है जैब्रोनिक्स को जो उसने मुझे ये साउंड बार दिया है, और मैंने आपके सामने इसको दिखा दिया कि इसमें क्या क्या चीज आती हैं। अगर आपको लेना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी वीडियो के, आप चेक कर लेना, प्राइस चेक कर लेना, और लेना हो तो ले लेना।